तो राजधानी लखनऊ में अवैध कोचिंगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, आज तक की खबर का असर हुआ है। और ये वही कोचिंग है जहां से आज तक ने कल रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था यहां पर लटकता हुआ तार और यहां कोचिंग सेंटर का बोर्ड, और दोनों ही आप देखें आज यहां से गायब है। ना तार लटक रहा है और ना ही यहाँ पर कोचिंग सेंटर का कोई बोर्ड है, जबकि कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर का बोर्ड था। अब आप आते हैं नीचे, यहीं हम आपको लेकर आए थे और एक बार फिर से आपको यहीं पर लेकर आएंगे। आप देखिए एलडीए ने कार्रवाई शुरू की है, तमाम यहाँ पर ये लगने भी शुरू हो गए हैं। आपको नीचे मैं लेकर चलूँगा, यहाँ पर आप हमारे साथ चलिए। ये देखिए यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर देखिए कितनी सफाई से काम किया गया है। कल ही हम यहाँ आए थे और यहाँ पर सारे बोर्ड्स कोचिंग के हटा दिए गए हैं। ये ऊपर तक यहाँ बोर्ड्स लगे हुए थे, कोचिंग वाले जो अवैध तरीके से बच्चों की जान हथेली पे रख रहे हैं वो डर के मारे अब यहाँ से एक्शन के बाद भागना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर सारे बोर्ड्स हटा लिए गए हैं, जितने बोर्ड्स लगे थे एक नामो निशान यहाँ नहीं छोड़ा गया है कि यहाँ कोचिंग है। अब आपको पीछे की तस्वीर में दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए। ये शटर जो था, ये शटर कल खुला हुआ था और आप देखिए इस शटर को ये बंद है। यहीं से हमने कल आपको दिखाई थी खबर, यहीं पर अंदर कोचिंग सेंटर चल रहा था, लेकिन आज ये शटर पड़ा है और कोचिंग का कोई नाम नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा है लेकिन किसी कोचिंग सेंटर का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। एलडीए की टीम यहाँ एक्शन के लिए पहुँच चुकी है और यही सीढ़ी हमने आपको कल भी दिखाई थी, एक एक तस्वीर यहाँ से आपको दिखाई थी। और आप देखिए एलडीए यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँच गया है और किस तरह से यहाँ पर देखिए ये स्प्रे वगैरह लाए हुए हैं और ये देखिए इस तरह के यहाँ पर इसको बंद किया जाएगा। निर्माण अवैध है, एलडीए द्वारा सील किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और तस्वीरें आप एक एक दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए स्प्रे के ज़रिए अब एलडीए एक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये भी लिख रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध है, ये बेसमेंट अवैध है और एलडीए का एक्शन यहाँ सील किया गया है। हम जो एलडीए के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ मसला है। सर आप लोग यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं, आप ये बताइए क्या कुछ साहब। सर आप लोग देखिए यहाँ पर, सर आप लोग यहाँ कार्रवाई करने के लिए, एक्शन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं? ऐसा है कल तक यहाँ पे हमारे सूचना थी कि यहाँ पे कोचिंग चल रही है बेसमेंट में। ये तो आज तक रिपोर्ट किया था यहाँ पूरी तमाम पार्ट, उसी को देख के हमें पता लगा था। तो पाठशाला के नाम से चल रहा है यहाँ पर, तो हम आज आए हैं तो इन्होंने बंद करके भाग के बोर्ड भी हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी मेजर के लिए जीने पे सील करके जा रहे हैं ताकि कोई आदमी कोई बच्चा कोचिंग के नाम पे ये कोचिंग खोल लें एक दो दिन में ये और नीचे जाके करें तो उससे पहले हम उसको सेफ कर सकें। अभी तक लखनऊ में कितनी कोचिंग आप लोग सील कर चुके हैं और कितनी जगह कार्रवाई हो चुकी है? इसमें कार्रवाई तो तकरीबन 20 जगह पर हुई है ओवरऑल पूरे लखनऊ के अंदर। और अभी फिलहाल जो मैं जोन 6 देख रहा हूँ, जोन 6 में हमने करीब 10-12 कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं, जिसमें से कल हमें 2 कोचिंग बेसमेंट में चलते हुए मिले थे, उनको हमने कल सील कर दिया था। कुछ मानक हैं जो आप देख रहे हैं एक अवैध कोचिंग होने के? बेसिकली क्या होता है कि जो बेसमेंट में निर्माण किया अनुमन्य है सामान्यतः वो या तो पार्किंग के लिए होता है या स्टोरेज पर्पज़ के लिए होता है, और उसके अलावा यदि वहाँ पर कोई इस तरह की कोचिंग या लाइब्रेरी चल रही है कई जगह, हाँ कोचिंग या लाइब्रेरी चल रही है तो, या कोई भी व्यवसायिक गतिविधि हो रही है तो ज़्यादातर वो अवैध होती है। सर परिचय दीजिए। मैं संजीव कुमार गुप्ता हूँ, एक्शन एलडीए। तो ये देखिए कार्रवाई चल रही है लगातार, एलडीए की कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा एक तरह से इसको बंद कर दिया गया है और सामने दीवार को भी देखते चलिए, कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं। ऊपर दिखाइए जरा बिजली की तस्वीरें, किस तरह से ये वायर्स हमने कल आपको दिखाए थे इसमें जाले लगे हुए थे और कहीं ना कहीं इनको सबको हटा दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये सभी भाग गए हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले जो हैं वो भागे हैं यहाँ से और अब यहाँ क्योंकि एक्शन है। हालांकि देखिए जो जेई फिजिक्स का यहाँ पर पोस्टर ज़रूर चिपका हुआ है लेकिन सारे बाकी पोस्टर हटा दिए गए हैं और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो जगह है ये एलडीए द्वारा सील कर दी गई है। आप इसको पूरा यहाँ से देखिए कि ये एक पैम्पलेट आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अवैध, ये बिल्डिंग अवैध है, ये इस तरह का बोर्ड यहाँ, ये बेसमेंट अवैध है, इस तरह की चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं और इसको सील कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कोचिंग अब नहीं चल सकती है। कल ही दिखाया गया था, आज तक ने दिखाया था कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, किस तरह से बच्चों की जान को खतरे में डाला गया, अभी तक ये कोचिंग यहाँ चल रही थी और अब आज तक की खबर का असर है और यही कोचिंग, यही बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। तो कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन एलडीए का जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी कोचिंग में, जो भी ये भी कोचिंग आप देखिए बेसमेंट में बनी हुई है, आपको यहाँ हम लेकर चलेंगे, दिखाएंगे एक एक तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर भी एलडीए का एक्शन हुआ है। और आप अंदर हमारे साथ चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये कोचिंग है, ये इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है
और एकदम नीचे खंडहर में कोचिंग बनाई हुई है। यहाँ आइए मेरे साथ, आप देखिए दो एग्जिट की बात होती है, ये यहाँ से बंद है, सब बोर्ड्स वगैरह निकाल के ले गए हैं, लेकिन यहाँ से कैसे ले जाएंगे संघर्ष से सफलता तक, लेकिन यहाँ तो संघर्ष से दुर्घटना तक की लाइन लिखी होनी चाहिए। जिस तरह से अवैध तरीके से यहाँ कोचिंग बना रखी है, बेसमेंट में LDR इसको सील करने जा रहा है, इस तरह की तमाम खबरें हमने कल यहाँ से ही इसी जगह से आपको दिखाए थे। और अब आप आलम देखिए कितना सफोकेशन मुझे यहाँ रिपोर्ट करते हुए हो रहा है। तो जो बच्चे यहाँ पर आते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में आते होंगे, अगर आग लगती तो कहाँ से भागते, यही सीढ़ियों पर अगर पानी भरता, आप अंदाजा लगाइए दिल्ली में पानी भरा, तो यहां से बच्चे कैसे निकल पाते जहां से एग्जिट के नाम पर केवल एक एग्जिट आपको दिखाई पड़ रही है। आपको बाहर लेकर चलते हैं हम यहां से, देखिए LDA की टीम यहां पर पहुंची हुई है, बाहर आपको लेकर चलते हैं, एक एक तस्वीरें यहां से दिखाएंगे कि एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स जो हैं वो एक ही हैं। और ये गली को दिखाइए पहले आप, इस तरह की गली जहां देखिए आप 50 मीटर है दोनों तरफ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक फायर टेंडर की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। तो कैसे आखिर जो फायर के मानक हैं वो पूरे होते हैं, LDA के अधिकारियों से बात करेंगे। सर आपने यहाँ एक्शन किया है, क्या कुछ पाया है यहाँ पे आप लोगों ने? वही सेम स्टेज जो अभी पिछले वाले देखा था, बंद करके भाग गए हैं उनको सूचना मिलने पर, लेकिन फिर भी हम जीना हम बंद कर दे रहे हैं। एंट्री एग्जिट एक ही है? हाँ एंट्री एग्जिट एक ही है। फायर के नॉर्म फार्म के देखिए यहाँ पर, ये देखिए जी, इसमें टेक्निकली देखा जाए तो फायर के नॉर्म्स में एक एंट्री एग्जिट आती ही नहीं है, उसमें कम से कम दो होनी चाहिए, खासतौर पर वहाँ पर जहाँ पर बच्चे प्रोफेशन है। देखिए हम लोग आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक्शन भी यहाँ, हाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मतलब इतना सफोकेशन है। देखिए तस्वीरें कितनी भयंकर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और कैमरामैन गौरव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरें आगे जाकर कि किस तरह से यहाँ पर देखिए LDA सील कर रहा है, सीलिंग की प्रक्रिया यहाँ LDA ने शुरू की है और सील किया जा रहा है इस कोचिंग सेंटर को भी, जो अवैध तरीके से बेसमेंट में चलाया जा रहा था। सोचिए बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने आते थे। ये नोटिस है, नोटिस दिखाइए सर, नोटिस दिखाइए, ठीक है देखिए नोटिस जो है, नोटिस भी चस्पा किया जाएगा ठीक उसी तरीके से, उस कोचिंग की तरह से। और एक बार मैं आपको गली दिखाता हूँ, यहीं से हमने कल रिपोर्ट किया था, आपको दिखाते हैं। हाँ ये हमारे साथ, ये देखिए आप यहाँ पर, ये तमाम जो है ज़ीमान केमिस्ट्री NCERT, यहाँ गंदगी, और यहाँ पर आप देखिए इतनी पतली गली है, यहाँ एक फायर टेंडर की गाड़ी नहीं आ सकती है अगर यहाँ पर आग लग जाए। और आप आलम देखिए, विश्नोई केमिस्ट्री क्लासेस, तमाम केमिस्ट्री क्लासेस, इस वक्त बारिश का सीज़न है, बारिश भी हो रही है, और यहाँ पर आप आइए, ये देखिए पतली पतली गलियाँ, वही खतरनाक तार, और इस बीच में चलती ये अवैध कोचिंगें। और अब जब दिल्ली में घटना हुई है तब हमारा सिस्टम जागा है, फिर चाहे दिल्ली का हो चाहे लखनऊ का हो, और अब कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर 20 कोचिंग्स अभी तक LDA ने सील की हैं और प्रक्रिया अभी भी जारी रहने वाली है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।